देखो भाई, मुझे मिल गए शारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 बकरा ईद शुरू हो चुकी है, सीज़न शुरू हो चुका है और मैं आया हूँ जमील वुमेन सोसाइटी में जो कि जहाँ पे सारे कैटल फार्म होते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक स्पेसिफिक कैटल फार्म नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ बहुत सारे कैटल फार्म और यहाँ की रौनक है जो अभी बिल्कुल एक मंडी का मंज़र पेश कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारवेश कैटल फार्म में। आज मैं काफ़ी मिक्स एंड मैच करूँगा, बहुत सारे कैटल फार्म में जाऊँगा, यहाँ के जानवर देखें ज़रा आप। मेरे साथ एक्सपर्ट आए हैं और क्या नाम है, जमील मेमन, ऐसा लग रहा है कि मंडी का लुक दे रहा है, पूरी पूरी मंडी लग रही है, मतलब हमें मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कैटल फार्म ज़्यादातर मंडी में आएंगे भी नहीं, यहीं पे सेटअप लगा लिया है। तो यहाँ मैं आरपी कैटल फार्म में एंटर कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत बच्चियाँ हैं यहाँ पे। जैसा कि कल पेट्रोल महंगा हुआ है, 209 रुपये हो गया है, तो वहाँ जान जानवर महंगे होंगे क्या? बिल्कुल होंगे हो चुके हैं। भाई मैं यहाँ इस वक्त 12:30 बजे मौजूद हूँ और गाड़ियों की ट्रैफिक ऐसा है जैसे ट्रैफिक जैम हुआ है यहाँ पे। मैंने भी दूर पार किया, फिर वॉक कर रहा हूँ, तो जमीन में मैं पहली बार ऐसा आया हूँ कि मैं वॉक कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली ना बड़े बकरे बहुत पसंद हैं, गाय तो चलो बड़ी दिख जाती हैं, लेकिन जब बड़े बकरे दिखते हैं ना और फिट, यानी कि पेट निकला और फिट बकरे मतलब हर जगह से, तो मज़ा आ जाता है। अभी आप ये बकरा देखें, ऐसा खूबसूरत बछड़े दिख रहे हैं मुझे, कसम से दिल आ रहा है, जा रहा है अभी महीना बाकी है ऑलमोस्ट, मैं चाह रहा हूँ बस अभी ले जाऊँ। ये देखो जरा, नहीं अभी ले, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं अभी ले जाऊँ, लेकिन ये मैं ले जा नहीं सकता हूँ, ये इनके पैसे बोलेंगे तो मैं भागूंगा, मेरे पीछे वो भाग रहे होंगे। हाथ पे एक गली मुरड़ी है, मैं वहाँ घुस गया, मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा कैटल फार्म है जिसका नाम है पाक ग्रीन कैटल एंड गोट फार्म, जिसकी कुछ एंट्रेंस इस तरह की है। मैं इस वक्त जमील वुमेन सोसाइटी में मौजूद हूँ
और कराची की कुर्बानी में बहुत बड़ा नाम मेरे साथ मौजूद है और मुझे मिल गए शारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये ब्लॉग मेरा 3 से 4 दिन में चल जाएगा। कुर्बानी का जानवर आपके पास करीबन में कब आ रहा है? इंशाल्लाह बस दुआ करें, बहुत जल्द कोशिश यही है कि 20 से 25 तारीख के दरमियान आ जाए। 20 से 25 बेहतरीन हो गया तो फिर मैं कवर कर रहा हूँ इंशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। चलो थैंक यू सो मच। मेरे पीछे सौदे चल रहे हैं भाई, ये देखें ये जानवर उन्होंने लाइन से खड़े किए हुए हैं और रोड पर चला रहे थे और आवाम फुल जमा हो जाती है जब सौदे चल रहे होते हैं। तो ये 3 साहिवाल खड़े हुए हैं, एक ब्राह्मण है, तीनों ब्राह्मण हैं और ये सौदे चल रहे हैं। मेरे पीछे लाइट्स देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी शादी ब्याह में आया हूँ, लेकिन ये शादी ब्याह नहीं, ये फिब्बी कैटल फार्म है और यहाँ पे माशाल्लाह से आप रौनक देख रहे हैं। जी आपने ये जमील मेमन सोसाइटी की रौनकें देखी, अभी 1 महीने से ज़्यादा है, कुछ दिन, 1 महीना और कुछ दिन है, लेकिन हर कैटल फार्म वालों ने लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं एंड यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो गया। अभी मंडी सही से लगी नहीं है लेकिन यहाँ सेटअप स्टार्ट हो गया। तो मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था जो आपको दिखाने के लिए कि जमील मेमन सोसाइटी में क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आगे बहुत सारे ब्लॉग आएंगे बकरीद के, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दें।